अच्छा, अब साथ साथ जो उनसे आपके कबूतरों का भी शौक करेंगे, तो अब मैं आ जाता हूँ आपके पीछे और ये अब आप कबूतरों के मैं दिखाते नहीं सर। दिखाएं जी इसके पर, दिखाएं ये कौन सी ब्रीड है जी? ये मेरे जी कबूतर जो है ये वही वो बीमार ब्रीड के या मतलब जरा फीकी रंगत के कबूतर है, साफ बदन के कबूतर है टैडी। इनका आप पर भी देख रहे हैं और इनके आप बगल भी देखें, इनकी बगलें मतलब काफ़ी कबूतरों से ज़रा लंबी है। ठीक है, इसकी आँख भी दिखा दें। इनकी आँखें भी देखें जी आप बिल्कुल, ये इनमें हल्का प्याजी डोरा आपको नज़र आएगा, सफ़ेद सफ़ेद आँखें हैं। और इनकी आप देखें कि इनकी जो चोंच की रंगत है वो भी ये अलफनों के कबूतर हैं जी। ठीक है, और इनके पंजे भी आप देख सकते हैं, तो देखें बिल्कुल जामनी पंजों के कबूतर हैं जी। और इनका मैं अर्ज करता चलूं कि लोग कुछ कॉन्सेप्ट बार दफ़ा पाया जाता है कि शायद टैडी कबूतर जो हैं वो छोटे वजूद के कबूतर हैं, ऐसा कतन नहीं है। टैडी कबूतर जो हैं वो बिल्कुल पूरे वजूद के कबूतर हैं। नाम उनका ज़रूर ये टैडी रखा गया, लेकिन वो उस्ताद अब्दुल रशीद टैडी के नाम पे ज़ाहिर है, जिनके घर ये कबूतर बने उन्हीं के नाम पे है। और ये जहाँ जहाँ का मतलब है कि बॉडी स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जब मुकम्मल होगा तो वो अपनी पूरी पूरे साइज में पूरे साइज में। चल कार को बाहर, ये इसके अंदर पार आ रहे हैं कबूतर के, ये आप देखिए इनका। और इनमें मैं एक और चीज़ अर्ज करता चलूँ कि आप देख रहे हैं कि इनमें पिंक डोरा जो है वो कबूतरों में आ जाता है। जब गर्मी आती है ना, जब गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है जी, तो इन कबूतरों में पिंक डोरा आ जाता है जो टैडी कबूतर हैं जी। तो इनमें जब सर्दियाँ फुल अरूज पे होती हैं या टेम्परेचर जब बिल्कुल वो कह लें कि 9-10 पे चला जाता है या 15 पे चला जाता है, तो उस वक्त इनकी आँखें जो है ज़रा ज़्यादा सफ़ेदी में हमें नज़र आती हैं। तो ये कुदरती एक चीज़ है, ये आप देखें इनकी पलकें भी बिल्कुल सफ़ेद या पीली हैं जी। और ये इनकी नोक भी देखें, ये अलफ नोक है। और इनका आप अच्छा मैं अभी ये देख रहा था आपके अक्सर कबूतरों में जी जी, कि इनके ये जो हल्के हल्के लूर से आते हैं जिसको हम कहते हैं, ये बहुत अच्छे और प्योर कबूतरों की निशानी है। अच्छा, प्योरिटी की निशानी, प्योरिटी की निशानी है। और ये अच्छे कबूतर, यानी ये प्रवादी कबूतरों में जी जी, मैं अभी देख रहा था सारे तकरीबन सारे कबूतरों में तकरीबन माशा साहब इनके पंजे आप देखें। पर की लेंथ, बगल इन आपके कबूतरों की, दोनों कबूतरों की बहुत अच्छी जी जी, ये बगल तो बगल का क्या कहाँ तक क्या करता है? बगलों का जी तालक जो है ये आप देखें कि बगल जो है वो कबूतर को जो है ये कहते हैं, यानी बताती है कि ये कितना मजबूत कबूतर है जी। तो ये आमतौर पे बगल का ये है कि बगल अगर लंबी है अच्छी है तो कबूतरों में घर में वापसी बहुत अच्छी बैलेंस करती है। कबूतर हवा में भी उड़ता है, बंद मौसम में भी उड़ता है, और किसी किस्म का भी मौसम हो कबूतर जो है वो घर बैठता है जी। ठीक है, ये इसमें पूरे पर्दा लें ना, ये कली सटी है ना उन्होंने। ये आ गया जी दूसरा कबूतर, ये कौन सी ब्रीड आ जाती है ये जी? मैं कहता हूँ
ये कबूतर जी बिल्कुल ये टोनी टोनी ब्रीड के कबूतर जो आप ये जी टेडी के डायरेक्ट आए जी जी जो वो जो मुझे टोनी वाले कुछ कबूतर मिले थे जी, मैं बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि कुछ कबूतर या बच्चे उनमें से कुछ मिले। एक मेरे एक दोस्त मेरे भाइयों की तरह उस्ताद अब्दुस्सलाम जी मिस्त्री इस्लाम भी उन्हें कहते थे, तो ये इनका आपस में बहुत गहरा एक रिश्ता था, बड़े करीबी रिश्तेदार थे उस्ताद अब्दुर्रशीद साहब और वो उस्ताद इस्लाम, तो मेरी चूँकि उनसे बड़ी दोस्ती थी और उस्ताद अब्दुर्रशीद साहब भी मुझ पर बड़ी शफकत करते थे जी, तो ये कबूतर मुझे उनके तवस्सुत से कोई 99 में ये कबूतर कुछ मिले थे जी, तो ये मतलब कबूतर उन्हीं बिल्कुल उसी मतलब फार्म में है। ये आप देख सकते हैं इनके पार जो हैं वो बाहर के काले हैं, तो हम कसूर में इनको सलारे कबूतर कहते हैं। सलारे इनकी आँख का जी, ये आप देखिए, और इनकी भी आप देखें कि ज़रा नोके थोड़ी सी उन दूसरे कबूतरों से ज़रा कदरे थोड़ी सी ज़रा डार्क शेड में है जी, और इनकी भी पलकें आप देख लें बिल्कुल सफ़ेद हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं होंगी, और ये बिल्कुल सफ़ेद आँखें हैं, और इनका जो ये आप कह लें कि ये जो तिल है ना जी आँख का, ये इनके आई बॉल ये इनके बिल्कुल बारीक है, ये आप देखें इनके मोटे नहीं हैं कबूतरों के, ये पंजे देखें दूसरा कबूतर है, ये आप देखें इनकी भी, इनकी बगलें आप देखें कि काफी लंबी हैं दूसरे कबूतरों के नस्ल, गर्दन इसकी गर्दन के ऊपर भी वैसे ही लोग जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसे ही ये तकरीबन सब कबूतरों में जितनी भी अच्छी आपने प्योर ब्रीड में होगा ना जी कबूतर, तो वो उसके इतने ही इसी तरह ही, ये माशाल्लाह इसके भी आप पंजे देखिए सबके नीले सबके नहीं जामनी शेड में होंगे। ये जी ये हमारी तीसरी ब्रीड जी, ये कबूतर आप देखें इन ब्रीड को क्या कहते हैं, ये जी हमारे प्रिंस कबूतर है जी, शहजादे कबूतर जी, जिसकी अभी बता रहे थे कि बच्चा जो उड़ा है, जी बच्चा जो उड़ा है, और इनकी भी बगले आप देखें माशाल्लाह लंबी बगड़ी अच्छी बगड़ी मजबूत है, और इनकी आँख आप देखें इन सब में ज़मीन सफ़ेद होगी जी, और ऊपर आप देख लें कि सुर्ख कर रहे हैं, और आखिर पे ये जो है वो इनका कंप्लीट रिंग होता है, और इनकी नोक आप देखें सफ़ेद, और ये जो है अलफ नोक हम जिसको कहते हैं, तो ये मतलब इनकी नोक है जी, और इसको ऊपर के आप पंजे भी देखें कि आपको बिल्कुल प्योर बिल्कुल जी जहाँ ब्लैक टोन पे है, ब्लैक टोन पे तो देखें इनके भी आप बगले देखें माशाल्लाह, ये भी प्रिंस आ जाते जी, ये भी प्रिंस इसकी आप आग देखें, बिल्कुल इनकी भी ज़मीन सफ़ेद है, और आप देखें कि आगे बिल्कुल इसकी नोक भी बिल्कुल सफ़ेद है, और इसकी एक चीज़ देखें ये सब रुएँ सब रुएँ इसी तरह इसी तरह, और इनके पंजे भी आप देखें, आपकी जो डब वाले डब
अवैस है। Yes, sir. Ah.